नमस्कार, मैं डॉक्टर सी एम राजौरिया। आज हम गैसीय स्टेट के अंदर देखेंगे आदर्श गैस समीकरण क्या वास्तविक गैसों के लिए लागू होता है। आदर्श गैस समीकरण जो हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये क्या वायुमंडल में जो गैसें हैं जिनको अपन वास्तविक गैसें कह रहे हैं, क्या उनके लिए ये लागू होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अंदर अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें यानी एक मोल गैस ले लें, तो ये समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनटी के रूप में आ जाता है। अगर गैस आदर्श गैस है तो पीवी अपॉन एनटी का पीवी अपॉन आरटी का जो रेशियो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर हम पीवी अपॉन आरटी के रेशियो को जेड से दर्शाएं तो जेड को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, संपीड्यता गुणांक कहते हैं। और आदर्श गैसों के लिए संपीड्यता गुणांक का मान 1 होना चाहिए। तो क्या सभी गैसों के लिए जेड का मान 1 प्राप्त होता है? हम इसके लिए ये कर्व देखते हैं। ये कर्व सबसे पहले अमेगट के द्वारा देखा गया था, खींचा गया था, इसीलिए उसी के नाम से ये अमेगट कर्व्स कहलाते हैं। अलग अलग गैसों के लिए हम जेड और पी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं। अगर आदर्श गैस है तो उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, इस तरह की सीधी रेखा आनी चाहिए अगर आदर्श गैस है तो। और अगर ये जैसे आदर्श गैस नहीं है, आइडियल गैस नहीं है, तो उनके लिए ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो कर्व मिल रहे हैं हमारे को, वो इस आदर्श गैस की रेखा से ऊपर जा रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए और CH4 के लिए हम देख रहे हैं पहले ये कर्व नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी ताप और दाब के ऊपर ये जो गैसें हैं ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती हैं, अर्थात ये आदर्श गैस से विचलन दर्शाती हैं। तो हम देखते हैं बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप क्या है। बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एरियल गैस फॉलोज द बॉयल्स लॉ ओवर मॉडरेटली वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। यानी कोई गैस दाब के एक पर्याप्त क्षेत्र के लिए बॉयल के नियम का पालन करे। किसी गैस के लिए अगर हम जेड और पी के बीच में ग्राफ खींचें, जैसे हम यहाँ एथिलीन गैस के लिए जेड और पी के बीच में ग्राफ देख रहे हैं, तो अलग अलग तापों के ऊपर ये ग्राफ अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अगर आदर्श गैस है तो फिर उसके लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, सभी तापों के ऊपर ऐसी लाइन आनी चाहिए सभी, लेकिन ये ऐसी लाइन हमें प्राप्त नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं 200 केल्विन के ऊपर ग्राफ पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, इस तरह से 500 केल्विन के ऊपर ग्राफ इस तरह का आ रहा है, 624 के ऊपर ग्राफ इस क्षेत्र के अंदर आइडियल गैस के ग्राफ से मैच कर रहा है। और फिर हम अगर टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो फिर ग्राफ इस तरह का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 624 केल्विन के ऊपर ये जो एथिलीन गैस है एक दाब के ये पर्याप्त क्षेत्र के लिए ये आदर्श गैस की तरह
अब हम देखते हैं काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी ये जो गैसें हैं ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रही हैं, ये आदर्श गैस समीकरण का पालन क्यों नहीं कर रही हैं, यानी ये जो है आदर्श गैस समीकरण से विचलन दिखा रही हैं, उसका क्या कारण है। आदर्श गैस समीकरण जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है और उसकी जो अवधारणाएं हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कि उनमें क्या कमी है। उसकी जो अवधारणाएं हैं उसमें एक हमने ये माना था कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, यानी जिस पात्र के अंदर गैस ली हुई है उस पात्र की तुलना में गैस के मॉलिक्यूल्स का वास्तविक आयतन नगण्य होता है। अगर हम सामान्य ताप दाब पे बात करें तो ये ठीक लगता है, लेकिन अगर हम जैसे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लेकर ये हम देखें तो लगभग 0.014% आयतन पात्र की तुलना में जो है वास्तविक आयतन है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन अगर हम दाब को 100 गुना बढ़ा दें 100 एटमॉस्फेयर कर दें तो यह मात्रा 1.4% हो जाती है, जिसको हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। पात्र के आयतन की तुलना में अब 1.4% जो मॉलिक्यूल्स का वास्तविक आयतन हो गया है उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, तो अधिक दाब पर हम इसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। इसी तरह से जो दूसरी बात है, दूसरी अवधारणा है, उसके ऊपर हम देखते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के अणुओं के बीच में किसी तरह का कोई आकर्षण फोर्स नहीं लगता है, आकर्षण बल नहीं लगता है। सामान्य ताप दाब पे तो ये भी ठीक लगता है, लेकिन कम ताप और अधिक दाब पे ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम गैसों को द्रवीकृत नहीं कर पाती, लेकिन हम जानते हैं कि हम गैसों को द्रवीकृत कर सकते हैं। बहुत सारी द्रवीकृत गैसें हैं जिनका उपयोग काफ़ी बड़े स्केल में किया जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गैसों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है वो है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? यदि हम गैसों को अधिक दाब से निर्वात के अंदर एडियाबेटिकली प्रसारित करते हैं तो उनका तापमान, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है, इसको हम जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। तो ये जूल थॉम्सन प्रभाव क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम ये जब प्रसारित करते हैं तो जब वो दूर दूर जाते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये जो है ये इसीलिए होता है क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये जो पॉइंट हैं ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब हम देखते हैं वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल गैस समीकरण। वांडरवाल गैस समीकरण निकालने के लिए हमें वॉल्यूम में और प्रेशर में दोनों में करेक्शन करना होता है। हमने देखा कि आदर्श गैस समीकरण वास्तविक गैसों के लिए लागू नहीं होती, और ये भी देखा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये समीकरण वास्तविक गैसों पे लागू नहीं हो पा रही है, तो उनमें हमें संशोधन करना जरूरी है। पहले हम देखते हैं वॉल्यूम करेक्शन। हम जो पात्र का आयतन है उसके अंदर से वो वॉल्यूम कम कर रहे हैं जो गैसों के वास्तविक आयतन और उनके वजह से जो जिसके अंदर वो गैस के मॉलिक्यूल विचरण नहीं कर पा रहे हैं उसको हम अपवर्जित आयतन कहते हैं। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये बी के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी एक मोल के लिए अपवर्जित आयतन है,
अगर हम n मोल गैस लें तो हम Vi इज इक्वल टू वी माइनस एन भी लिखते हैं। Vi वो स्पेस है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो B है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हम गैस के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हमने जो गैस के मॉलिक्यूल माने हैं वो गोलाकार स्फेरिकल शेप में माने हैं। जब ये पास पास आएंगे, क्योंकि ठोस गोलों की तरह हैं, तो इससे ज़्यादा नज़दीक, जब ये आपस में टच करने लग जाएंगे तो इससे ज़्यादा वो नज़दीक नहीं आ सकते हैं। प्रत्येक गोले का जो रेडियस है वो सिग्मा है। तो ये इस गोले का सेंटर और ये इस गोले का सेंटर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सिग्मा के बराबर होगी। ये जो डायमीटर है प्रत्येक गोले का वो सिग्मा के बराबर है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये भी सिग्मा के बराबर होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है जो हमने इस तरह से छायांकित किया है, ये जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। तो ये जो क्षेत्र है इसको अपन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, और वन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी दो मॉलिक्यूल्स की वजह से ये अपवर्जित क्षेत्र एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जिसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़ा गोला है इसका रेडियस सिग्मा है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 π σ³ के बराबर होगा। क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए है, इसलिए हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहें तो इसका हम हाफ करते हैं, और ये है 4/6 π σ³। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अपवर्जित आयतन 4/6 π σ³ के बराबर होता है। अगर हम एक गोले का वास्तविक आयतन देखें, एक्चुअल आयतन देखें, तो हम इस तरह से निकालेंगे एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 π σ² क्यूब, और इसको हम 4/3 π σ³/8 लिख सकते हैं, और इसको और सॉल्व करने पर ये 1/6 π σ³ के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम जो प्राप्त कर रहे हैं वो 1/6 π σ³ है, और जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम प्राप्त कर रहे हैं वो 4/6 π σ³ है। तो हमें ये पता चलता है कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम का 4 गुना होता है। जिस तरह से कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये प्रूव कीजिए कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज 4 times ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जब हम बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो हमने निकाला, एक मॉलिक्यूल के लिए है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वन मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4/6 π σ³। इसलिए जब हम एक मोल की बात करें तो हमें इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक मोल के लिए यानी बी का जो मान होगा वो होगा एन इंटू 4/6 π σ³। इस तरह से हम एक मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यह जो समीकरण है इसमें बी का मान रखकर वॉल्यूम में करेक्शन कर सकते हैं।